सीताराम येचुरी जी है सर, किस तरीके से देखते हैं आज बैठक हुई, किन मुद्दों पर चर्चा? मुख्य बात तो यही था कि दो मुख्य सवाल थे, एक तो काउंटिंग के दिन किस तरीके से जो सवाल हमारे दिमाग में हैं उनकी स्पष्टता ज़रूरी है, तो उसके लिए चुनाव आयोग से मिलने जाएंगे और वो सवाल क्या है उसको हमने डिस्कस किया। और दूसरी बात ये था कि बहुत बड़े चढ़ाकर बढ़ के मार रहे हैं, मतलब भाजपा के लोग 400 पार करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो हमने कहा कि हमारे घटकों से जब पोलिंग होती है तो आप भी एक पीपल्स पोल या पीपल्स सर्वे कराइए, वो सर्वे करवाए और उसके आंकड़े जो आए उसके आधार पर हम इस नतीजे पर पहुँचे कि 295 कम से कम इंडिया गठबंधन को मिल रही है। तो जब 295 की काउंटिंग सामने आई तो क्या प्रधानमंत्री का चेहरा भी डिस्कस हो गया? नहीं, अब ये नहीं, ये बस जब होगा और पहले ये एमपी चुनकर आए वो बैठकर तय करेंगे और वो चुनेंगे अपने लीडर को, वो कायदा है, वो है हमारे संविधान में लिखा हुआ कायदा, तो उस कायदे के अनुसार वो होगा। बड़े लीडर्स के बीच में कहीं भी ममता बनर्जी नजर नहीं आई, तो क्या उन्होंने दूरी अब बना ली है? ऐसे लग रहा है कि धीरे धीरे आने वाले समय में हर पार्टी के बीच ये सवाल उनसे पूछना चाहिए ना, अब ये इसका जवाब हम नहीं दे पाएंगे। कल इलेक्शन कमीशन के ऑफिस जा रहे हैं तो क्या सब वहाँ पे जो मुद्दे अब बहुत बताया आपको, चुनाव के अंदर जितने भी हमारे लिए जो डाउट्स है उसके बारे में क्लैरिफिकेशन हम चाहते हैं और लाजमी है, वो क्या है सवाल है ये पहले हम इलेक्शन कमीशन को बताएं फिर आपको बताएंगे। तो ये थे हमारे साथ सीताराम येचुरी जी, CPIM से, कैमरा जर्नलिस्ट राधे के साथ, मैं सौम्या मिश्रा, A1 TV।